हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की आपकी क्लास में ग्रामीण विकास में मैंने बताया था कि आज आप भूमि की परिभाषा पढ़िए, कल मैं इन भूमि के सुधारों से संबंधित जितने कानून रहे उन सारे कानूनों के रूप में स्पष्ट रूप से परिचर्चा आपसे करूंगा। आज उन्हीं के क्रम में मैं आपसे भूमि सुधारों से संबंधित जितने कानून आए अपने उत्तर प्रदेश के लिए उन सभी पर व्यापक परिचर्चा करने जा रहा हूं। यहां से सवाल मैंने जैसा कि देखा है राजस्व वाले पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। कभी कभार तो ऐसे सवाल पूछा है कि यह फला अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछा है कि उस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों से सवाल उठाया है, तो दोनों चीजों को कैसे हम जवाब देंगे, इन्हीं को मैंने एक मतलब सरल भाषा में आपके लिए यहां पर रखा है। तो अगर आप लेक्चर को कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ऐसे भी इश्यूज पर आपको अब लाऊंगा, ठीक है, जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली चीजें आती हैं, तो उनको भी हम यहीं से क्लियर करते हुए चलेंगे कि आप में कभी ऐसी चीजें ना रहें कि लेक्चर के बाद कोई पॉइंट आपका रह गया हो। और दूसरी बात, मेरी क्लास हमेशा एक क्लास से दूसरी रिलेट होती है, ठीक है। मेरी क्लासेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमेशा रिलेट होते हैं, तो कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि अच्छा सर जी इतनी चीजों को छोड़ दिए तो ये कब बताएं। मैं किसी ना किसी क्लास में उन सभी बिंदुओं को समेटूंगा जहां से मैंने शुरुआत की है। तो इस चीज के लिए आप पूर्णतया निश्चिंत रहें कि आपका कोई भी पॉइंट कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप सारे लोग जो भी लेक्चर मेरा देख रहे हैं, ठीक है, तीन दिन में इस समय डिटेल्ड यानी बृहस्पतिवार शुक्र जो है शुक्रवार और शनिवार को डिटेल क्लासेस लेता हूं, तीन दिन सोमवार मंगलवार बुधवार मैं एमसीक्यू की क्लासेस लेता हूं जो आपके ग्रामीण विकास एवं परिवेश से संबंधित होती है। तो दोनों क्लासेस को अच्छे से देखें। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पॉलिटी इस समय पढ़ा रहा हूं, इतिहास की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग चल रही है, मैथ्स चल रही है, इन सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी है, अगर बदलाव किया तो ये आप समझ जाओ कि रीजनिंग का भी खाका बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अभी तक रीजनिंग में 7 क्वेश्चन मैथ के अंतर्गत पूछे जाते थे जो आपकी गणितीय एवरेज से संबंधित सवाल होते हैं। इस वजह से लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, पूरी चीजें करिए, जो दिक्कतें हैं उनको कमेंट करिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक को कवर किया जाए, वो सब टीम करेगी भैया, ठीक है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए कुछ अच्छे कमेंट करते जाइए ताकि हमें आपसे जो है ऊर्जा मिलती रहे और हम अपने कार्य को बेहतर अंजाम देते रहे, ठीक है। यहां पर आपका कमेंट ही हमारे लिए बेस्ट होता है, तो कमेंट अच्छे से करिए, ठीक है। टीम इतनी चीजें आपके लिए कर रही, इतनी सारी सुविधाएं आपको दे रही, वो भी सारी चीजें निःशुल्क। हम लगभग 10 प्लस प्रोग्राम पर एक साथ निःशुल्क काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने हम लोगों ने ये कोर्स भी लॉन्च किया था कि 10 प्लस प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा एक साथ हम कवर करेंगे सारे कोर्सेस को। तो इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप यह मान के चलो कि आप आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पीटी के लिए भी अपने आप को तैयार कर रखे हो, ठीक है। अभी कल परसों आपने देखा था कि समूह का खा गागा उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां, इनसे संबंधित अभी मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा सारे विभागों को एक पत्र भेजा गया है जिनसे सारे पद जो उनके यहां सृजित हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हैं, सभी के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। वो कोई फेक नहीं चल रहा है, वो सही चीजें हैं। तो भविष्य में भर्तियां हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पर 10 प्लस कोर्सेस के अंतर्गत अभी जो हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, इस क्लासेस में जितनी क्लासेज अब चल रही हैं डेली के बेस पर, अगर आपको इन क्लास की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, एक अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। हम 3 महीने के लिए 499 रुपए का प्लान देते हैं, ठीक है। मतलब 499 रुपए अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3 महीने तक हर एक क्लास, जो भी भविष्य में जितनी क्लासेज चलेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां मैथ्स और रीजनिंग और यही चारों क्लासेज चल रही तो इसी की, जितनी क्लासेज हम कोई भी आपके वो एक्स्ट्रा होगी वो सभी क्लासेज की पीडीएफ हम आपको देंगे, ठीक। हम क्लास की पीडीएफ का वादा करते हैं आपसे, जो भी क्लास देंगे उसकी पीडीएफ हम आपको देंगे, जितना कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पर अगर आपको कोई समस्या हो रही है, सारे लोग परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पर भी पूरी पीडीएफ, पूरी क्वेजेस, पूरे जो है लेक्चर्स लगे होते हैं, वहां से भी पूरी चीजें कर सकते हो। कोई पैकेज हमारा लेना है, वीओ का पैकेज लेना है, टेस्ट सीरीज का, पीसीएस प्रीलिम्स से क्रैश कोर्स से जोड़ना है, हमारी आप किताबें खरीदना चाहते हो तो पीसीएस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, वहां ऐप पर दिखाई देगा, खरीद लो, पूरी किताबें मिल जाएंगी। जो हमारे संस्थान में हम अपने बच्चों को कोर्सेज देते हैं वहां पर जो मटेरियल देते हैं वो चीजें हम आपको दे देंगे,
ठीक है, उसको खरीद सकते हो, वीओ का खरीद सकते हो, जिनको पूरी डिटेल किताबें चाहिए, अच्छी नोट्स चाहिए, वो वहां से खरीद सकते हैं। बाकी जिनको इस प्रोग्राम में जुड़ना है वहीं पर 10+ कोर्स के नाम से भैया जुड़ जाओ। कोई समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, ये तीन नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इन तीनों नंबर पर 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रात में बस छोड़ने का जो है सोने का टाइम छोड़ देना। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज हमें क्या बात करनी है, अब सारे लोग समझ चुके हैं, मैंने पहले ही पॉइंट को जिक्र कर दिया है कि जिन चीजों पर हमें आज व्यापक परिचर्चा करनी है वो आपके बिंदु क्या क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होइएगा, कहीं भी परेशान नहीं होना। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप पढ़ते जाओ, इससे बाहर ग्रामीण विकास नहीं है। मैं शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसमें बहुत भटकाव लाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आज ग्रामीण विकास में हम देखेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में भूमि सुधार से संबंधित जितने कानून आए, इन कानूनों में, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है, इन सारे कानूनों में क्या क्या चीजें आपको भूमि सुधार से संबंधित कानून जो रहे, ठीक है, इनमें हमें आज व्यापक तौर पर परिचर्चा करनी है कि कौन सा कानून कब आया, उसका प्रभाव क्या रहा। तो इससे पहले आप यह जानूं कि उत्तर प्रदेश में मैं इस पूरे जो है कानूनों के आने के पृष्ठभूमि पर आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर इस पृष्ठभूमि को आप अच्छे से समझ गए तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन यहीं क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप इतिहास पढ़ने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास। और इतिहास क्या, चूंकि जो सबसे बड़ी चीज होती है जमीन ही तो सब कुछ थी, हमारी जमीन ही सब कुछ थी, जिस पर अंग्रेजों ने तरह तरह के जबरदस्ती हमसे कार्य करवाए, ठीक है, हम पर बहुत सारे अत्याचार किए, तो वो हमारी जमीनें थी। जमीनों को लेकर बहुत सारे एक्ट यहां पर पारित हुए हैं। तो जमीनों के इतिहास को पढ़ने से पहले, जमींदारी प्रथा को पढ़ने से पहले, हमें उत्तर प्रदेश के उस इतिहास में चलना पड़ेगा जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत जब यह कहा जाता था तो आप सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और जो है एक तरीके से आगरा और अवध की जो प्रांत थे, इन दोनों प्रांतों को मिलाकर संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। तो जब संयुक्त प्रांत बना 1937 के दरमियान, अपने यहां चुनाव भी हुए थे, मैंने पॉलिटी में भी आपको समझाया है कि 37 में जब चुनाव होते हैं कांग्रेस की सरकार भी यहां आई थी, लेकिन वो चीजें दोहरा खेल था अंग्रेजों का कि सरकार तो हम आपकी बनवा रहे लेकिन काम तो हमारा ही होगा। 1939 की बात है, जमीन सुधारों से संबंधित कुछ कानून अपने यहां आए थे, उससे पहले भी कानून आए हैं उनका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन 1939 में जैसे काश्तकारी अधिनियम से संबंधित कुछ कानून रहे, 37 में भी काश्तकारी को लेकर कानून है। तो समय समय पर अंग्रेजों ने आगरा और अवध के इन दोनों प्रांतों को लेकर के बहुत सारे जो है भूमि से संबंधित कानून पास किए। कल मैंने आपको बताया कि जब आपको मैं लगान समझा रहा था, और जो है लगान के अलावा मैं आपको समझा रहा था मालगुजारी, तो लगान और मालगुजारी में था दोनों ही आपका उपज से लिया जाने वाला कर, उपज पर लगाया जाने वाला कर, लेकिन इन दोनों के रूप अलग थे। जब अंग्रेज जो है इसी टैक्स को, ठीक है, जब अंग्रेज इसी टैक्स से जमींदारों से लेते थे तो यह आपका क्या होता था, मालगुजारी कहलाता था, ठीक है। जब अंग्रेज इस टैक्स को जमींदारों से लेते थे तो यह मालगुजारी था, लेकिन जब यह लगान, ठीक है, किसान जो है किसको देते थे, जमींदारों को देते थे, तो यह क्या कहलाता था, लगान कहलाता था, ठीक है। जब वही कर उस कर के रूप में चाहे वस्तु दी जाए, चाहे जो है कुछ भी दिया जाए, मतलब अन्न दे देते थे, पूरा का पूरा बेचकर पैसे देते थे, लेकिन वो चीजें क्या होती थी, पहले देखो जमींदार ही, अगर किसान पहले अनाज मान लो बेचने भी जा रहा तो उसी जमींदार को बेचता था जिसको उसे टैक्स देना है। जमींदार क्या करते थे, कम दामों पर खरीदते थे। बहुत सारी चीजें थी, अंग्रेजों के अत्याचार को तो आप जानते ही है। बहरहाल इन सारी चीजों को समेटते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको पॉइंट बता दिए कहां कहां दिमाग आपका जो है जाना चाहिए, किन किन डायमेंशंस को कवर करना है, उन्हीं को एक एक करके शुरुआत करता हूं। ध्यान से मुझे सुनते रहना, ठीक है, जो भी डाउट है लास्ट में अगर आपको लगता है कि अभी भी बचे हैं तो उनको कमेंट कर देना, उनको मैं आगे जो है कवर करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। बस आपको हर दिन मेरे लेक्चर को अटेंड करते रहना है, एमसीक्यू को अटेंड करना है, आपको सारी चीजें ग्राम विकास जो हुआ बना है ना ये सब कुछ दूर हो जाएगा। देखो भैया, उत्तर प्रदेश भूमि संबंधी कानूनी जानकारियां मैं आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले यह चीज जान लो कि उत्तर प्रदेश पहले आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में, यानी जो है आगरा और अवध के प्रांत को शामिल करने वाले प्रांत के रूप में जाना जाता था। संयुक्त प्रांत का यही अर्थ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के प्रवर्तन पर इनमें राजस्व वृद्धि की समान प्रणाली लागू थी।
आगरा और अवध जो अलग अलग प्रांत थे, जिनको हम सम्मिलित रूप से तो जानते थे कि यह संयुक्त प्रांत हैं, लेकिन इन आगरा के प्रांत में, अवध के प्रांत में, दोनों जगह पर जो भू राज्यों से संबंधित नीतियां थी वो एक ही लागू थी। प्रांत तो अलग थे, बाद में कंबाइन करके नाम दिया गया, लेकिन दोनों पर भू राज्यों से संबंधित कानून एक ही थे। दूसरी बात, 1939 में, 1939 में काश्तकारी अधिनियम जो 37 की बात है कि संख्या 17 के पुनः स्थापन तक काश्तकारी विधि अत्यंतिक रूप से भिन्न थी। यहां दोनों में जो उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम आया था, इन दोनों में एक धारा थी इस अधिनियम की, जिसकी नाम है आपका धारा 17। इस धारा 17 में क्या हुआ था, दोनों जगह पर जो लागू होना था, अवध के प्रांत में और आपका आगरा के प्रांत में, आगरा और अवध के प्रांत में ये दोनों जो धाराएं थी, इनके लागू होने में कुछ ना कुछ भिन्नता थी। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आपको दोनों जगह पर लागू होना नहीं दिखेगा, एक जगह लागू थी एक जगह नहीं लागू थी। अब इसी चीज पर क्या हुआ कि आगरा के प्रांत को पहले उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था, जो फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी का भाग था। ठीक है, जो फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी का भाग था और बंगाल विनिमय द्वारा जो है शासित किया जाता था, आगरा बंगाल के जो है प्रेसिडेंसी के अधीन आता था उस दौरान। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत को लागू विनियम के बाद भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत संहिता के रूप में प्रकाशित किया गया। इसको तब भी जब इस पर कानून भी बनाया गया तो उस कानून में इसका जो नाम दिया गया वह नाम था क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत जो है संहिता, इसको नाम दिया गया, इसी रूप में प्रकाशित किया गया। यानी भारत सरकार नाम लिखा तो गवर्नर जनरल वायसराय यही सब तो थे। आगे बढ़ते हैं, यह विनियम, विनियम का मतलब होता है लॉ, कानून। ठीक है, प्राथमिक रूप से राजस्व की वसूली के लिए तात्पर्य थे, यानी इनका सिर्फ इन कानूनों का एक ही मतलब था कि अंग्रेजों का, चूंकि आप जानते हैं कंपनी का सिर्फ एक ही मतलब होता था कि राजस्व की वसूली, इनका काश्तकारों के लाभ से कोई संबंध नहीं था। काश्तकार मतलब जो किसान है, किसान को क्या लाभ मिल रहा उससे मतलब नहीं, हमें हमारा राजस्व मिलना चाहिए, बस ये इस चीज पर केंद्रित थे। ठीक है, हमें फसल में, अगर फसल की पैदावार मान लीजिए 10 बीघे में जो है 10 क्विंटल हुई और हमने पहले से फिक्स कर रखा है कि हमें 10 बीघे में 5 क्विंटल चाहिए, तो हमें 5 क्विंटल से मतलब है, तुम्हारे 5 क्विंटल का क्या होगा, या मान लीजिए सूखा पड़ गया एक भी दाना नहीं हुआ तब भी आपको लगान देनी है, आप अपनी संपत्ति बेच के दो। जमीनों को आपने देखा कि पहले क्या होता था, यह भी व्यवस्था आई है, ठीक है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी में, जब आपने पढ़ा होगा कि पूरी की पूरी ऐसे सिस्टम भी आए हैं कि अगर किसान मान लीजिए राजस्व नहीं चुका पाता था तो उसको जो जमीनें, जिनकी जो जमीन उसको दी गई थी वो उससे छीनकर किसी दूसरे को दे दी जाती थी, ये भी व्यवस्था थी। अब क्या होता है, एक बात को अच्छे से समझो, 1859 की बात है, 1859 में एक लगान वसूली अधिनियम आया था। ठीक है, उसकी जो है मतलब इस अधिनियम की जो धारा थी 10, उसको फिर से स्थापित किया गया, बीच में जो है लागू नहीं किया गया था, फिर से इसको स्थापित किया गया, जिसने एक तरह से अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया, यानी काश्तकारों के जो अधिकार 1859 में फिर से परिभाषित किए गए कि काश्तकार होते क्या है, जमीन पर मालिकाना हक क्या होगा, इसकी जमीन क्या इसके आने वाले वंशजों को मिलेगी, पहले नहीं मिलती थी, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, जमीनें ऐसी, आज तो जमीनें हमारी क्या है, हमारी जमीनें पैतृक संपत्ति है, पहले ऐसा नहीं था कि आपकी जमीन आपके बेटे को मिलेगी, ये कोई नहीं था, वंशानुगत चीजें नहीं चलती थी, इन्हीं सब पर बहुत सारी चीजें पारित हुई है, इन्हीं को हमें समझना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, किंतु इसने मनमाने पूर्ण बेदखली के लिए रास्ते खोल दिए। 1859 में जो आया कानून, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि पहले बेदखली की प्रक्रिया चलती थी, ठीक है, वो यानी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था किसी को, तो ये प्रक्रिया 1859 में जब इसकी धारा 10 आई तो और मजबूत बन गई, यानी उनके प्राधिकार और बढ़ गए, काश्तकारों के प्राधिकार यहां घटने लगे। अब क्या बात होती है भैया, काश्तकारों को लगान की वृद्धि से और अनैतिक भू स्वामियों द्वारा व्यर्थ मुकदमेबाजी से कोई पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, यानी काश्तकारों को चूसक बन के और चूसना प्रारंभ यहां से होता है, उनके कोई अधिकार रहे ही नहीं गए, जो जमीनों का मालिक होता था वो मुकदमेबाज बन गया,
मतलब जबरदस्ती क्या करते थे जमींदार, मान लीजिए आप कर नहीं चुका पाए तो आप पर जो है मुकदमा ठोक देते थे कि इसने जो है हमारा राजस्व अदा नहीं किया, और उन मुकदमों की सुनवाई अंग्रेज की आपकी कोर्ट करती थी जो जमींदारों को नियुक्त करती थी, तो वह जमींदारों की ही भाषा बोलेंगे। यानी काश्तकारों का उत्पीड़न यहां इतना ज्यादा भयंकर था कि क्या बताया जाए। सामान्यतया यह महसूस किया गया कि विधि यानी कानून क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा करती है, किंतु युद्ध के हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, वर्ष 1926 तक याद है प्रथम जो है विश्व युद्ध जब हो गया, तो उसमें जब युद्ध की स्थिति हुई, ब्रिटेन को जानते ही इसकी स्थिति क्या हुई थी, तो इस वजह से अपने यहां 1926 तक कुछ नहीं किया जा सकता था। अवध प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके अधिनियम के पूर्व, ठीक है, अवध प्रांत जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का विलय नहीं किया था, उससे पहले अगर बात करें तो अवध के पूर्व राजाओं द्वारा शासित होता था अवध प्रांत आपका, ठीक है। इनकी राजस्व की जो वसूली की जो है प्रणाली थी यह भिन्न भिन्न थी, जो राजा था उसे उस हिसाब से वसूलता था। इसे मुस्ताजीरी के माध्यम से या नाजिम, ठीक है, या चकलादार या अन्य वसूली पदा जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति द्वारा वसूल करते थे। ये जितने आपके हैं मुस्ताजीरी, नाजिम, चकलादार, ये सब आपके कर वसूलने के अधिकारी थे जो आपके इसमें मुगल शासक के अंतर्गत कार्य करते थे, जो राजस्व का जो है भंडारण करते थे। इनके माध्यम से अवध के नवाब पहले यहां पर कर वसूली करते थे, ठीक है। उसके अलावा देखें भूमि के तत्कालिक धारक का, मतलब अगर मेरी जमीन है, ठीक है, तो वहां पर आप यहां पर अपने प्राधिकार को समझो। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ये मैं अगोस अवध की बात कर रहा हूं, जब अवध आपका राजाओं के अंतर्गत होता था, गुलाम मतलब राजाओं का शासन था। जो आपका धारक होता था जमीन का, कोई सार्वभूत अधिकार उसे तब भी नहीं था। भूमि को लेकर अगर हम बात करें कि जब राजाओं का शासन था तो उन्हें कोई अधिकार मिला था, तब भी कोई सार्वभूत अधिकार नहीं था। अब आगे बढ़ते भैया, इन लगान वसूल करने वालों की दया पर यह पूरी तरीके से निर्भर करते थे। मतलब जमीन मेरी है तो मालिक की जब तक क्या है, पहले जानते हो क्या होता था, आप जिस जमीन पर खेती कर रहे हो पेड़ लगाए तो लिखकर पहले जो है राजा के यहां दे आते थे या बोल देते थे कि यह हमारा नहीं माई बाप का है, ठीक है। आप जिस जमीन पर खेती कर रहे हो, मान लो वो जमीन आपकी है, आप जो है वहां पर कुआं खोद रहे हो, तो पहले लिखकर दे आओ कि ये कुआं हमारा नहीं माई बाप का है। ये चीजें चलती थी भैया, ठीक है। मतलब जुल्म उस हद से थे कि हर एक जमींदार गुजरते थे, आपको याद होगा आपके घर के बुजुर्ग बताएंगे, ठीक है, जमींदारों की इतनी बड़ी वो चलती थी कि एक बार किसी ने किसी की संदेश बुलवा दिया कि फला ने आपको याद किया है, तो आप कोई काम कर रहे हो आप अपना काम छोड़ दो, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो आप अपना काम छोड़ दो, आपके परिवार की जो भी हालत है आप किसी को ले जा रहे हो, कुछ नहीं, आप उस काम को छोड़ो और तत्काल वहां पहुंचो। ये होता था जलवा, ठीक है, ऐसी चीजें वहां चलती थी। आगे ध्यान दें, मतलब अगर मेरी जमीन है, मैं खेती कर रहा हूं, मैं लगान दे रहा हूं, तब भी ये नहीं है कि आप लगान दे रहे हो तो आप जो है वो जमीन आपको दी रहेगी, वो सब कुछ दया पर थी, भीख पर थी। जब तक जमींदारों का मूड है तब तक आपको जमीन है, जब उनके मूड जो है गर्म हुआ तो किसानों से जमीन इससे छीना उसको दे दिया, ये प्रोसीजर चलता था। आगे बात करिए, प्रांत के अधिमिलन यानी जब दोनों प्रांतों का मिलन होता है कि प्रत्याशा में, मतलब इस आशा में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अवध के निवासी जनरल, ठीक है, आउटरम की भूमि धारकों या तालुकेदारों को वर्ग के रूप में समाप्त करने के लिए और भूमि के कब्जादारी गलतियों के साथ सीधे संक्षिप्त बंदोबस्त करने के लिए पत्र लिखा था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने यहां के उत्तर प्रदेश के जो है उसको गवर्नर को पत्र लिखा। अब क्या बात बनती है, अवध को 13 फरवरी 1856 को मिलाया गया था, किस दिन, 13 फरवरी 1856 को विलय किया गया, और संक्षिप्त बंदोबस्त के पूरा होने से पहले ही 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह फूट पड़ा अपने यहां। 30 मई 1857 को एक विद्रोह हुआ था लखनऊ में, जो किसानों का विद्रोह कह सकते हैं। इस विद्रोह का आप नाम जो आप समझ सकते हैं, देखो पहले जितने भी विद्रोह हुए किस लिए हुए,
जमीनों के लिए, किसानों के शोषण के लिए, ये सब भी तो 1857 भी आप देख लो वहां पर भी चीजें क्या आ रही है। पूरे अगर हम उसकी बात करें, पूरे भारत की बात करें, जहां जहां भी विद्रोह हुए तो वो शोषित समाज के विद्रोह के रूप में ही उभरा है। ठीक है, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं शोषण हुआ, वो वर्ग आपका क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ वो उठा और उसने बगावत कर दी। जब यहां पर 30 मई 1857 की बात है, जब लखनऊ में विद्रोह फूट पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का प्राधिकार अस्थाई हो गया था अपने यहां, इसलिए पहले से तैयार किए गए सभी अभिलेख नष्ट कर दिए गए। अपने यहां विद्रोह हुआ तो जिसको जहां पर जो अभिलेख मिला, कानून मिला, सब फूंक दिए गए। ठीक है, ये विद्रोह में आई बातें। गदर समाप्त होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त पर पुनः नियंत्रण करने में समर्थ होने के बाद लॉर्ड कैनिंग ने प्रांत की भूमि में सभी स्वत्वधारी अधिकारों का समपहरण करते हुए 15 मार्च 1859 को घोषणा जारी की। इसके बाद दूसरा संक्षिप्त बंदोबस्त अधिमिलन के समय यथापूर्व स्तर के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत पर लागू किया गया। ठीक है, जब एक बार भू अभिलेख जल गए तो स्वत्वधारी का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, जो जमीनों के मालिकाना हक जिनके जिस समय जैसा बताए गए, उन पर जो है फिर से एक अधिकार पत्र जारी किया गया और वह अधिकार पत्र अधिमिलन से पूर्व का रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, यह जो सिद्धांत रहा प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इस पर जो लागू किया गया था यथापूर्व स्थित के अनुसार, उससे तालुकादारों और भू स्वामियों की स्थिति सुनिश्चित हो गई। मतलब मेरी जमीन है तो मेरी स्थिति तो कुछ अब संदर्भित होगी, यहां पर कुछ सुस्पष्ट होगी कैसे। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ स्वत्वधारियों या अन्य अधीनस्थ काश्तकारों को कोई अनुतोष नहीं दिया गया। मेरी जमीन है, मैं मान लीजिए 50 बीघे का मालिक हूं, 50 बीघे के अंतर्गत अगर मेरे अंडर में मान लीजिए मैंने 10-10 बीघे करके 5 लोगों को दे रखे हैं, तो मैं जमींदार के तौर पर आया। हालांकि जमींदार इतने कम के नहीं होते थे, 300-400 बीघे के मालिक होते थे। ठीक है, 2-4 गांव 5-6 गांव उनके अंडर में आते थे, इस हिसाब से जमींदार होते थे। मतलब वो पूरी जमीनें कहा जाता था ये सारी जमीनों के मालिक यही हैं। अभी भी आपको सुनाई पड़ता है कि आपके शहर जहां आप रहते होंगे तो ये कहा जाता है ये शहर इनकी जमीन में जो है बसा हुआ है। वो जमींदार थे, वो जमींदार, वहीं से प्रक्रिया आपकी चली आ रही है। ठीक है, इस हिसाब से तो यहां पर तब भी जो अधीनस्थ स्वत्वधारी थे या अन्य अधीनस्थ काश्तकार थे, इनको कोई अनुतोष नहीं दिया गया, इनके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं आई थी। अब बात करते हैं 1864 की। इसको बहुत अच्छे से समझना है पूरी चीजें, जब आप एक बार फिर से लेक्चर रिवाइज करोगे पहली बार में कई चीजें आपको क्या हो सकती है, ऐसा लगेगा कि अच्छा कंफ्यूजन बनी, इसीलिए लेक्चर को दोबारा देखो, दो बार देखने पर ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहां पर और समझिए, 1864 में सर जॉन लॉरेंस भारत के वायसराय हुए। वह पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत में लगान विधि के कार्य को अपने जो है सूक्ष्म ज्ञान के साथ अवध में अधीनस्थ स्वत्वधारियों और मॉरिसी कार्यकारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए उत्सुक थे। वह अवध उप बंदोबस्त अधिनियम 1886 द्वारा, अब ये पूछ सकता है कि अवध में उप बंदोबस्त अधिनियम कब आया, तो 1886 की बात है, द्वारा अधीनस्थ स्वत्वधारियों के अधिकारों का संरक्षण करने में भी सफल रहे। ठीक है, जिसमें अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को पुनः मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप बात है 1868 की। 1868 में अवध के लिए प्रथम लगान अधिनियम, ध्यान रखिएगा 1868 में अवध के लिए प्रथम लगान अधिनियम यानी 1868 का अधिनियम पारित किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहला लगान अधिनियम अवध के लिए कब पारित किया गया, बात थी 1868 की। ठीक है, दूसरी बात, इस अधिनियम का इसके बाद तुरंत 1870 के अधिनियम 7 द्वारा भागता निरसन कर दिया गया। मतलब यह अधिनियम आया तो अगला जो रहा एक अधिनियम 1870 में फिर से आया, उसके द्वारा इसका भागता मतलब कुछ भागों का निरसन किया गया। अब क्या हुआ भैया, और तुच्छ बिंदुओं को 1871 के अधिनियम 32, ठीक है 1831 में फिर से एक अधिनियम आया। ठीक है, उस अधिनियम के द्वारा 1876 के मतलब ये धाराएं जो 18 मैंने यहां लिख रखी है उसकी धारा है। ठीक है, 1878 के 14 मतलब धारा 14, 1882 के धारा 14 द्वारा संशोधित किया गया। मतलब कुछ विशेष धाराएं इसमें ला करके वो ऐड करते गए जो उनको ये कमियां महसूस हो रही थी। अब भैया क्या बात होती है, वर्ष 1886 की बात कर रहा हूं,
1886 का जो अधिनियम रहा, यह एक अधिनियम फिर से पारित होता है 1886 में। इसमें क्या किया जाता है, इसमें काश्तकारों को कुछ सारभूत अनुतोष प्रदान किया गया। 1886 में जो आया है, अनुतोष का मतलब अधिकार समझ सकते हो, ठीक है, प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए थे, इनको ध्यान दीजिए। तो 1886 में जो अधिनियम आया था इसको, ठीक है, हम लोग ध्यान देते हैं। पहली चीज क्या क्या इसके माध्यम से किए गए, काश्तकारों का कानूनी अधिकार रहा, इसको ऐसा बोल सकते हैं, उनको कानूनन कुछ अधिकार दिए गए। दूसरी बात, लगान की वृद्धि की सीमा तय की गई थी। लगान के वृद्धि की सीमा की हर साल जो है, जैसे आप जहां पर रहते हो, मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हो, तो ये लिमिट है कि हर साल जो होगा 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा किराया, ठीक है, मकान मालिक लिख के देता है आपको। तो ये चीजें पहले क्या होती थी, लगान ऐसे भी वसूल किया जाता था, मतलब हर साल जो है टैक्स जो वृद्धि हो जाती थी उस पर जो है काबू करने के लिए इस 1886 में प्रावधान किए गए थे। दूसरी बात भैया, बेदखली पर निर्बंधन लगाया गया, मतलब अब हर कोई ऐसे आपको जो है आपकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था, इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। निर्बंधन का मतलब होता है प्रतिबंध। सुधार का काश्तकारों का अधिकार किया गया, यानी काश्तकार मतलब छोटे किसान को काश्तकार बोलते हैं, जैसे बहुत बड़ी जमीन है वो तो जमींदार हो गए, काश्तकार छोटे किसानों को बोला जाता है, 20 बीघे हो गया, 10 बीघे, ये सब जो आते हैं ये छोटे काश्तकार होते हैं, ठीक है। और काश्तकारों के अधिकारों का भी इसमें संरक्षण किया गया, किसके द्वारा, 1886 के द्वारा। अब ध्यान दें 1890 के अधिनियम की बात करते हैं, 1890 का अधिनियम, ठीक है, संख्या 20, और 1891 का अधिनियम संख्या 12 द्वारा तुच्छ संशोधन किया गया, किंतु उसके द्वारा उस सिद्धांत को परिवर्तित नहीं किया गया जिस पर मूल अधिनियम निर्मित किया गया, यहां ध्यान दीजिए 1891 का जो अधिनियम आया, ठीक है, 1891 का अधिनियम इसलिए आया क्योंकि 1890 के अधिनियम में हमें परिवर्तन करना था धारा 20 में, संख्या 20 में, और इसमें किसके द्वारा परिवर्तन किया गया, जो 1891 का अधिनियम रहा इसकी जो है वो धारा 12 के द्वारा इसके इस भाग में परिवर्तन कर दिया गया, आप भाग 12 भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ विधियां ऐसी रही होंगी जिनको हम तुच्छ बोल सकते हैं। आगे एक पॉइंट और ध्यान दो, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं 1901 वाला, ये पूछा भी है, ठीक है, राजस्व वाले में 1901 का जो संशोधन अधिनियम आया था, सारी चीजें हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं सब संशोधन अधिनियम ही पढ़ रहे, मतलब अंग्रेज हम पर शासन तो कर रहे थे, तो इनका शासन इस तरीके से आप मनमाना समझ सकते हो, मतलब जब मर्जी तब हमें अधिकार देना है, जब मर्जी तब हमें हमसे अधिकार छीन लेना है। तो इन्हीं चीजों को आप और समझिए। पहली बात, ये जो विधि आई अगली, इस विधि में दो नए अध्याय को प्रारंभ किया गया, कौन से, पहला जो अध्याय था पूर्व स्वत्वधारी काश्तकारों, स्वत्वधारी मतलब मेरी जमीन है तो ऐसे काश्तकार, ठीक है, ऐसे काश्तकारों और लगान मुक्त अनुदान का पुनर्ग्रहण, जो लगान मुक्त जो है छोड़ दिया गया था, अनुदान दिया गया था कई लोगों को कि इनसे हम लगान नहीं लेंगे, उनको फिर से लागू कर दिया गया। तो ये नीतियां थी किसकी, अंग्रेजों की, आप देख रहे हो, या पूर्व स्वत्वधारी काश्तकारी अधिकार अवध लगान अधिनियम 1886 की धारा 5 और अवध विधि अधिनियम को धारा 25 द्वारा मान्यता प्राप्त अभियोग के पूर्व स्वत्वधारी अधिकार के अतिरिक्त था, ठीक है, मतलब पहले जो 1886 में आपका अधिनियम आया था और अवध विधि अधिनियम फिर से आया, उन दोनों में जितनी चीजें दी गई थी उनके अलावा इनको फिर से लागू किया गया। जाहिर सी बात है पहले कुछ अधिकार थे उनको छीना गया, यद्यपि ये अधिनियम संशोधन प्रभाव में प्रभावी थे फिर भी आर्थिक स्थिति को परिभाषित करने में सफल नहीं हुए। आर्थिक स्थिति क्या मतलब, मैं जमीन पर खेती कर रहा हूं तो जमीन से लाभ मुझे मिलना चाहिए, यह चीज कभी भी परिभाषित नहीं हो पाई। आप देखिए आगे बात करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि के विकास, कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के साथ हुई थी, सर्वत असंतोष अपेक्ष बढ़ रहा था, आक्षेप और भावना को उत्पन्न करने के लिए अंततः किसान सभा आंदोलन के रूप में अभिव्यक्ति हुआ, ठीक है, किसान सभा आंदोलन शुरू होता है भैया, और क्या होता है संपूर्ण प्रांत में गंभीर दंगे प्रारंभ होते हैं अपने यहां, जिसके कारण भू स्वामियों द्वारा प्रपीड़क उपाय अंगीकार किया गया, ठीक है। अब जब आप आंदोलन करोगे तभी तो आपको क्या होगा, कानून मिलेगा। इसी वजह से मैं आपको इस 1950 वाले कानून को बताने से पहले पूरी अंग्रेजों की गुलामी के दौरान हम जितनी चीजों को झेले हैं उन सभी की पृष्ठभूमि को एक साथ जोड़ रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें
ये जो आंदोलन हुआ, ठीक है, इस आंदोलन का नारा आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, नजराना नहीं बेदखली नहीं। ठीक है, हम नजराना भी नहीं देंगे और हम बेदखली भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीजें यहां पर आई, जबकि बदले में भू स्वामियों ने काश्तकारों के बीच संबंध को सुधारने के लिए और विशेष रूप से काश्तकारों को उचित लगान कर कास्त की अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1921 का अवध लगान संशोधन अधिनियम संख्या 4 अधिनियमित किया गया। ठीक है, ये अधिनियम पर आगरा प्रांत में प्रतिक्रिया हुई फिर से, ये जो अधिनियम आया इस पर फिर से आगरा प्रांत में एक दंगा हुआ, उसको आप जानते हैं एका आंदोलन के तौर पर। ठीक है, एका आंदोलन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, एका आंदोलन में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और सर विलियम मैरिस के शब्दों में सरकार निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हो गई। ठीक है, पहली चीज यह जो है असभ्यपूर्ण है और दीर्घकालीन तक आगरा प्रांत के असंरक्षित काश्तकारों को अवध में नए कानूनी काश्तकारों की अपेक्षा कम सुरक्षित स्थिति में छोड़ना संभव नहीं। दूसरी चीज आई, इसने जो बोला कि यह विचार करना हमारा उस समय का कर्तव्य है जब प्रांत में शांति हो, जिससे उपयुक्त समय में कृषि असंतोष के ऐसे आधारों को दूर किया जा सके। ठीक है, बस इतनी चीजें ध्यान रखना है आपको कि फिर से एक आंदोलन हुआ था। अब थोड़ी सी बात आपको मैं और बता रहा हूं, 1926 की बात है, 1926 का एक आगरा काश्तकारी अधिनियम आया था संख्या 3 में अधिनियमित किया गया, और इस बात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी कि जिस समय यह दोनों अधिनियम अर्थात अवध का लगान संशोधन अधिनियम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा और आगरा काश्तकारी अधिनियम किए गए, उस समय प्रांतीय विधानमंडल के भूमि हितधारकों द्वारा अभिवाही था और ये अधिनियम भू स्वामी और सरकार के बीच में समझौते के परिणाम थे। किनके बीच में समझौता हुआ था? भू स्वामी और सरकार के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जहां से आपको कुछ चीजें पूछ सकता है, जहां से कुछ चीजें आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज आई थी 1930-31, याद रखिएगा 1930-31 में लगान नहीं और राजस्व नहीं आंदोलन शुरू हुआ था। लगान नहीं और राजस्व नहीं आंदोलन शुरू हुआ जिसका कारण अत्यधिक लगान था जो कृषि उत्पाद की कीमत में अचानक कमी के कारण दमनकारी हो गया। मतलब प्रोडक्शन घट गया और प्रोडक्शन जब घटा तो क्या हो गया, टैक्स लोग ज्यादा पहले से लग रहा था, वो टैक्स देने में लोग सक्षम नहीं रह गए, इस वजह से फिर से लगान नहीं राजस्व नहीं आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया, स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने 1903 का एक फिर से, ठीक है, आपात शक्ति अध्यादेश जारी किया। एक आपात शक्ति अध्यादेश आया और क्या होता है जो है इसका नाम जो दिया गया था, यह नाम दिया गया था संयुक्त प्रांत आपात शक्ति अध्यादेश 12। ठीक है, एक 1930 में लागू हुआ और 1932 का संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम संख्या 14 अधिनियमित किया गया। काश्तकारों की 1932 के संयुक्त प्रांत लगान बकाया अधिनियम संख्या 1 द्वारा लगान के बकाए के कारण बेदखली से संरक्षण दी गई और 32 में जो काश्तकारी सहायता अधिनियम संख्या 8 आई इसके द्वारा अनुतोष प्रदान किया गया। यानी 32 तक संघर्ष हुआ है भैया, जिससे फरवरी 1927 और 38 फसलों के लिए बकाए में 25% तक की छूट का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 1934 के संशोधन अधिनियम संख्या 9 द्वारा कई प्रशासनिक उपाय किए गए जैसे सामान्य दर छूट योजना इत्यादि। तो इतनी चीजें आपको सिर्फ अभी मैंने क्या बताया, पृष्ठभूमि तैयार की है। अब आप पढ़िए जो सबसे पहला हमें आजादी मिली, ठीक है, 1932 तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो हमने क्या किया, इनसे भी सवाल पूछेगा, इनके लागू होने से सवाल पूछता है कि जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन जो अधिनियम रहा कब लागू हुआ, कब आया, इन्हीं सबसे संबंधित सवालों को अब हम देखते हैं, एक एक करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहली चीज है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। ठीक है, यह विनाश एवं भूमि जमींदारी विनाश, सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन किया गया था, भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में लाया, एक्ट नंबर 1 सन 1951 के अंतर्गत ये निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी देता है। क्या क्या, जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है ये 16 जनवरी 1951 को, कब, 16 जनवरी 1951 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 24 जनवरी 1951 में, ठीक है, किस दिन, 24 जनवरी 1951 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद गजट हुआ। गजट में प्रकाशित होता है तभी कोई क्या होता है, कानून बनता है, लागू होता है, इन्फोर्स होता है।
ठीक है, जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सन 1950 के नाम से जाना जाता, और 26 जनवरी 1951 को यह क्या हुआ, लागू हुआ। हमारे प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम व जमींदारी कानून दोनों लागू है अपने यहां। इस तरह दोनों तरह की जमीनें हैं और दोनों तरह की भूमि संबंधित अभिलेख तैयार किए जाते हैं, जिनको जमींदार विनाश तथा जमींदारी क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त, अभी इसमें संशोधन हुआ है 2015 की बात है तो उसको भी मैंने समाहित कर दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त 2015 को प्रतिपक्षी दलों के विरोध के बीच में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य जातियों के लोगों को बेचने पर लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और उन्मूलन या भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015 पारित किया है ध्वनिमत से। ठीक है, एक फिर से यह आया है, इस विधेयक के जरिए मौजूदा कानून के उस प्रावधान को शिथिल मतलब कमजोर ढील ऐसा बोल सकते हो करने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके तहत अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जिला अधिकारी के अनुमति के बिना अपनी जमीन अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता, और यदि उसके पास, ठीक है, 1.26 हेक्टेयर लिखा है से कम जमीन है तो वह जिला अधिकारी की अनुमति से भी उसे नहीं बेच सकता। मतलब अगर जिला अधिकारी ने अनुमति दे दी तब भी नहीं बेच पाएगा, ये ऐसा प्रावधान किया गया था इसमें। तो इन चीजों को थोड़ा सा शिथिल बनाया जा रहा है, मतलब इसमें ढील दी जा रही है कि वह अपनी जमीन को बेच पाए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की भैया, ठीक है, ये कब आया, किस लिए आया, इन सभी में तो एक मैंने बता दिया, जमींदारी जो आपका उन्मूलन ना 26 जनवरी 1951 से अपने यहां पूरी तरीके से लागू है, समझ गए, कब आया था वो भी मैंने बता दिया, कब किस लिए आया, क्या पृष्ठभूमि रही, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। जो पॉइंट मैंने बताए हैं जरूरी है उनको मैंने मेंशन भी किया है। एक बार लेक्चर नहीं समझ में आ रहा दो बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो। अगली चीज भैया, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, ठीक है, इतनी आसान चीजें नहीं है कानून की आप पहली बार में समझ जाओ, इसीलिए लेक्चर को दो बार आपको देखना है, अच्छे से देखो। हालांकि मैंने भाषा को बहुत तोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के पुनर्गठन व सुधार तथा कृषि क्षेत्र में नहर नाली सड़क चक रोड एवं गांव में ग्राम पंचायत स्कूल चारागाह आबादी सड़क खाद गड्ढा एवं अन्य सार्वजनिक आवश्यकता के पूर्ति होत उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर 4 मार्च सन 1954 याद रखना 4 मार्च सन 1954 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ तथा 8/3/1954 यानी 8 मार्च 1954 को यह क्या हो गया गजट हो करके यानी गजट में प्रकाशित होकर के उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। तो तीन डेट याद रखना है, सबसे पहले किस दिन पारित हुआ 4 मार्च सन 1954 को, ठीक है, वो मतलब इस दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित हो गया, उसके अलावा किस दिन से लागू हुआ 8 मार्च से लागू होता है जब गजट में जो है आपका कोई कानून प्रकाशित किया जाएगा उस तब से वो कानून लागू होता है। कानून बनता कब है जब राष्ट्रपति साइन कर दे, और जब गजट में आपका जो है प्रकाशित होगा तब कानून लागू होता है। तो बनने में और लागू होने में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान थे उन चीजों को थोड़ा सा समझ लो बहुत कम लाइनों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुमान पर कि अमुक्त गांव मतलब पर्टिकुलर गांव जिस गांव की हम बात करें में चकबंदी की आवश्यकता है तो उस गांव में धारा 4(1) इस अधिनियम की धारा 4(1) ठीक है का प्रकाशन राज्य सरकार करती है। ठीक है, चकबंदी राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार नहीं, यह चीज पहले से ही स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, धारा 4 के प्रकाशन के बाद गांव के वर्तमान अभिलेख चकबंदी विभाग के संबंधित पैमाइशकर्ता को प्राप्त होता है, यानी ग्राम का जितना अभिलेख है वह सब कुछ जो है चकबंदी अधिकारी को चला जाएगा। वो क्या करेगा, जो गांव के पैमाइश कर नक्शा बनाकर व मिलान कर चकबंदी विभाग को सौंपता है, चकबंदी कर्ता पुनः उक्त गांव के प्रत्येक प्लाट को मौके पर मिलाता है तथा उनसे संबंधित समस्त तथ्यों जैसे रकबा हो गया, खातेदार की मृत्यु हो गई, फिर वरासत भूमि हो गई, इसकी दशा मालिकाना फसलों के प्रकार आदि कई प्रश्नों का परीक्षण कर दर्ज कर उपरोक्त को खसरा को आकार पत्र 2 कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या इसमें प्रावधान है, उक्त पत्र 2 तथा अन्य 31 सूचनाओं के आधार पर आकार पत्र 11 बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक बिंदु जो भूमि व मालिकाना हक को प्रभावित करते हैं उनको बिंदुवार खातावार अंकित करते हैं जिन्हें तनहा कहते हैं, परिभाषा पर ध्यान रखना, जिन्हें तनहा कहते हैं। ठीक है, तथा इसी प्रतिलिपि खातेदार को आकार पत्र 5 के रूप में विपरीत होती है। ठीक है, इसमें जो चीजें आपकी जरूरी हैं उन उन पॉइंट्स पर मैं आपको बता रहा हूं उनको ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप चकबंदी अधिकारी के आदेश से
जो है आप संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उस दौरान आप चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 21 दिन के अंदर अपील धारा 11 के अंतर्गत बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के समक्ष होती है। मतलब चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आपको 21 दिन के भीतर, ठीक है, उससे बड़े अधिकारी जिसका नाम है बंदोबस्त, जो है चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपको अपना क्या करना होगा, विरोध जो है जताना होगा, उसके विरुद्ध आपको ले जाना होगा मामला, जो दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करेगा। उप पंचायत चकबंदी जो धारा है 48 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनता व निर्णय करता है, मतलब इससे ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, याद रखिएगा। या चकबंदी की अंतिम न्यायालय, चकबंदी की अंतिम न्यायालय कौन सी है याद रखना, चकबंदी की अंतिम न्यायालय जो है वह उप पंचायत चकबंदी, ठीक है, की धारा जो है 48 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के जो है आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनता हुआ निर्णय करता है, कौन, उप पंचायत चकबंदी अधिकारी, समझ गए। चकबंदी की अंतिम न्यायालय वही है, इसके विरुद्ध क्षुब्ध व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है, मतलब यहां के बाद आप हाईकोर्ट जाओगे। आगे बढ़ते हैं, जिस गांव में 50 से ज्यादा विवादों का निपटारा हो जाता वहां धारा 19 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारों के चकों का निर्माण, रास्ता, नहर, चकनाली आदि 5 प्रतिशत तक कटौती किया जाता है, उसको आधार पर 23 के, ठीक है, 23 धारा के 3 विभाग जो है उसमें उपभाग में खातेदारों को वितरित कर 21 दिन के भीतर खातेदारों को जो है आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है। तो यहां से इतनी चीजें समझ में आ गए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, गांव के खातेदारों के चकों का कब्जा धारा 28 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, यह चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। धारा 28 जो है के अंतर्गत, चकबंदी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत आपको कब्जा दिया जाता है चकों पर। दूसरी बात, इस प्रकार गांव के भूमि का जो प्रबंधन है इसके करने का प्रावधान व प्रयास है, किंतु सरकार कर्मचारियों के काम चलाओ तरीके जानते ही है एवं ग्रामीणों में जागरूकता की कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण एक उचित प्रयास, उचित निरूपण नहीं ले हो पा रहा है और हजारों वाद आज भी इससे पड़े हुए हैं। अगली चीज बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की। ये क्या है भैया, मूलतः नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस क्या है, अवध प्रोविंस क्या है, कि ब्रिटिश राज्य में 2 राज्य थे तथा दोनों के अलग अलग भू राजस्व अधिनियम थे, जब दोनों प्रोविंस मिलाकर एक हो गए तब दोनों राज्य के विधि को समायोजित करते हुए एक यूनाइटेड भू राजस्व, संयुक्त प्रांत भू राजस्व अधिनियम मैंने बताया नहीं ऊपर, वो आई नंबर 3 सन 1901 में बना तथा इसे पुनः 1941 में संशोधित किया गया, फलस्वरूप वर्तमान उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 तैयार हुआ। यह संशोधित कब हुआ, 1941 में, 1901 वाला जो आज लागू है। इसके निम्न नियम विशेषताएं क्या है भैया, इसके अंतर्गत राजस्व परिषद पहली बात, दूसरी कमिश्नर, तीसरी बात कलेक्टर और चौथा है अपर कलेक्टर, पांचवा डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो लेखपाल। अब यह ऊपर से नीचे वैसे आप समझ सकते हो क्या है, अधिकारियों का एक तरीके से क्रम भी आपको बता रहा हूं, एवं राजस्व से संबंधित सभी पदों का जो है सृजन हुआ एवं अधिकार प्राप्त होता है। चकबंदी आप कैसे बनते हैं, ये उसकी जो है चकबंदी, आप लेखपाल बनोगे तो इसके लिए पद का सृजन किससे, 1901 से हुआ है, समझ गए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत किसी अंतरण या वरासत के कारण क्रेता या उत्तराधिकारी का नाम तहसीलदार द्वारा अंकित होता, बैनामे की दिशा में बैनामे की सत्यप्रति प्रति जो है सब रजिस्ट्रार द्वारा तहसीलदार को प्रेषित की जाती, जिस पर स्वयं नामांतरण की कार्य प्रारंभ की जाती है, ठीक है। धारा 28 में किसी अराजी नंबर का मानचित्र पूर्ण हो तो उसके शुद्धिकरण कलेक्टर द्वारा किया जाता, यही सारी चीजें जो है लिखी हुई है इसमें। अगली चीज एक और ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी ये जमींदारी विनाश उन्मूलन आपको बताया, इससे एक पॉइंट आपका जरूरी यह है भैया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होता है, इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नया उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र जमींदार विनाश अधिनियम 1956 पास किया, शहरी क्षेत्र जो है जमींदार विनाश अधिनियम 1956 पास किया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 1957 को गजट में प्रकाशित हुआ तथा एक्ट विधि के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग नोटिफिकेशन लागू हुआ। गोरखपुर में अगर बात करें तो यह 1974 से 76 के बीच में लागू किया गया था, ठीक है, बाकी हर एक जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लागू हुआ है तो उसमें परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज
ठीक है, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जमींदारी क्षेत्र एवं जमींदार विहीन दो प्रकार के क्षेत्र मौजूद होते हैं अपने यहाँ। मतलब एक जगह जमींदार जहां नहीं है, एक जगह जहां जमींदार है, ऐसे क्षेत्र दो होते हैं। तो इन दोनों में क्या प्रोसीजर किया गया, जो शासनादेश आया था 1994 का, इसके अनुसार 10 वर्ष पुराने सभी पट्टेदारों को अब संक्रमणीय भूमिदार घोषित कर दिया जाएगा। यह आदेश 14 जनवरी 1955 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। साथ ही जिन पट्टों की अवधि आगे भी पूरी होती हो जाएगी, वह क्रमशः संक्रमणीय भूमिदार घोषित होते जाएंगे। इसी शासनादेश में पहली बार जो यह व्यवस्था दी गई कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं अपने गांव में समाज की जमीन पर 30 जून 1985 से पूर्व काबिज है, उन्हें गांव सभा बेदखल नहीं कर सकती। कब से? 30 जून 1985 से पूर्व अगर जमीन आपकी है तो वो आपको बेदखली नहीं किया जा सकता है, समझ गए? वह मालिक माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश पारित किया कि अब वरासत के समस्त मामले में मृतक सम्मिलित किया जाएगा, यानी अर्थात लड़के के साथ मां भी खातेदार बन जाती है, मतलब मृतक की पत्नी को भी इसमें शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब गांव सभा व सीलिंग की निकाली हुई जमीन के जो भी पट्टे किए जाएंगे उनमें पट्टेदार के साथ उसकी पत्नी का नाम सह खातेदार के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने जो है आपको बता दी है, सब कुछ इसमें मैंने लिख भी दिया है, जो जो प्रावधान है इन्हीं को आपको समझना था। दूसरी चीज एक और समझ लो, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम, जिसको सीलिंग एक्ट में बार बार आपसे बोल रहा हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, ठीक है, ये भैया कब आया था, ये अधिकतम जोत जो मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति पर इतने से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, इसी को सीलिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये अधिनियम जो है विधानसभा ने 5 सितंबर 1960 को, कब से? 5 सितंबर 1960 ईस्वी तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 19 सितंबर 1960 की बैठक में स्वीकृत किया था। ठीक है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसंबर 1960 ईस्वी को मंजूरी इसको दी। इसके बाद यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक 3 जनवरी 1961 को प्रकाशित हुआ। तो आपसे पूछता है सीलिंग एक्ट कब से लागू हुआ, तो 3 जनवरी 1961 से उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके विधेयक को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, या सीलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज मैंने प्रमुख एक्ट के बारे में आपसे चर्चा कर ली। वीडियो जहां नहीं समझ में आ रहा है एक्ट से संबंधित है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप फिर से देखिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके बाद अभी और चीजें बढ़नी है। आज मैंने उत्तर प्रदेश में बताया है, कल मैं शुरुआत करूंगा एक नए टॉपिक की आपकी, जहां से नए टॉपिक और आएंगे। ठीक है, भूमि से संबंधित अभी कानूनों को लगातार पढ़ते रहना है, सब कुछ आपका बहुत एक अच्छे प्रोसीजर से होगा, बस आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। आपने इससे पहले की क्लास मेरी नहीं देखी और आप सीधा पहली क्लास देखने लगे तो आपके लिए कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी, इसलिए जरूरी है आप मेरी क्लासेस को क्रमबद्ध देखिए। ठीक है, जिस दिन मैं बताता हूं उस शेड्यूल पर सारी क्लासेस को अटेंड करते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मस्त होकर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।